हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आपके साथ NSE वेबसाइट से रिलेटेड कुछ डिटेल और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियोस होंगे NSE वेबसाइट के, उसके थ्रू मैं NSE वेबसाइट पे बहुत सारा जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड मेरा अंडरस्टैंडिंग और जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर वो कैसे देखें और क्या देखें वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये NSE, ये गूगल पे मैंने सर्च किया NSE वेबसाइट करके, तो ये जो फर्स्ट लिंक आता है www.nseindia.com, तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस है। अगर आप डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, जैसे कि टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स, या फिर ओपन इंटरेस्ट पॉट्स, इक्विटी डेरिवेटिव रिलेटेड, या फिर लाइव मार्केट, तो आप जा सकते हैं। तो इफ़ यू क्लिक ऑन NSE वेबसाइट के लिंक पे, अगर आप क्लिक करते हैं तो ये खुल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनका NSE का लोगो है। उसके बाद राइट साइड में निफ्टी 50 का जो करंट वैल्यू है, अभी करंट रेट है वो चल रहा है, और उसका जो परसेंटेज चेंज है, अभी मार्केट क्लोज हुए हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो तब का जो वैल्यू है, जो रेट जिस पे निफ्टी रुका है, वो यहाँ पे इंडिकेट करता है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शंस है, अबाउट अस, फिर इन्वेस्टर रिलेशंस, मीडिया, सर्कुलर, हॉलीडे, रेगुलेशंस, कॉन्टैक्टर्स, और सर्च ऑन NSE, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद इक्विटी में अगर आप ये ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, इन सब के रिलेटेड जो कोड्स हैं पर्टिकुलर शेयर के, मिल सकते हैं। ओके, इस पर जो भी प्राइजेस इंडिकेट किए वो रुपीज़ में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अभी बेसिकली हम लोग इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 चीज़ें कवर करूँगा। एक्चुअली इसके इसमें जो भी लिंक्स हैं, उसमें सब लिंक्स ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब अगर आप एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर रिपोर्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है, बहुत है, तो वो अलग अलग वीडियोस में ब्रेकअप करके मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है लाइव मार्केट है। लाइव मार्केट में लाइव वॉच, ऑप्शन चेन, लाइव एनालिसिस टूल्स है, अलग अलग टूल्स। उसके बाद लाइव एनालिसिस, जो अलग अलग ओपन इंटरेस्ट है, चार्ट्स है, वॉल्यूम्स है उसका है। फिर ओपन ऑप्शन चेन, तो सबको मोस्टली पता ही है कि ये NSE की वेबसाइट पे मोस्टली वहीं से एक्सेस करते हैं सब लोग। तो इंडेक्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग, बोरोइंग प्लेटफॉर्म, उसके बाद इक्विटी डेरिवेटिव, इक्विटी स्टॉक वगैरह के बारे में। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स का पेन है। उसके बाद कॉरपोरेट्स, मेंबरशिप, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च। एक्चुअली ये एक इंफॉर्मेशन का बड़ा सा भंडार जैसे है, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की। यहाँ राइट साइड में इनका NSE का एडवर्टीजमेंट है, इनके जो कोर्सेस हैं NSE और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे मेंबर कैसे बनने का है, फिर कॉरपोरेट, स्टूडेंट, रिसर्चर्स है। ओके, यहाँ पे करेंसी के रेट्स दिए हुए, US डॉलर पेयर के, यूरो INR पेयर के, ब्रिटिश पाउंड INR पेयर के, और जापनीज येन और INR पेयर के रेट दिए हुए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक कॉलम है वो है अनाउंसमेंट और NSE न्यूज़। यहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट जो भी NSE की तरफ से है वो आती है। उसके बाद यहाँ पे क्विक लिंक्स हैं, ये सब भी हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे, बहुत मतलब बहुत सारे लिंक्स हैं। ये प्रोडक्ट ऑफरिंग जो ऊपर एक पेन था प्रोडक्ट्स करके, तो उसका ही नीचे लिंक्स है ऊपर अलग से। ये ट्रेडिंग ऐप भी है इनका, माय NSE और मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि NSE का एक ऐप भी आता है, तो ये भी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ लिंक्स हैं, अकाउंट ओपनिंग, उसके बाद इन्वेस्टर सपोर्ट, यहाँ पे टोल फ्री नंबर है अगर आपको कुछ इश्यूज हैं उनके प्रोडक्ट या फिर सर्विस से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे विसल ब्लोअर रिलेटेड आई थिंक ये टिप ऑफ के लिए लिंक दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे NSE ग्रुप कंपनीज के नाम है, जैसे कि NSE क्लियरिंग, NSE टेक, NSE इंडाइसेस, NSE डेटा एंड एनालिटिक्स, NSE IT और NSE इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है उनके टिकर और रिसेंटली व्यूड कोट्स, उसके बाद साइट मैप, डिस्क्लेमर और NCFM, जो इनका इंपॉर्टेंट विंग है एजुकेशन कोर्सेस वगैरह रिलेटेड, तो वो एक है। और ये जो स्मॉल या फिर वेरी स्मॉल कंपनीज लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है इमर्ज, उसके बारे में दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग आज 2 पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करूँगा। पहला है ये होम पेज पर अगर आप क्लिक करते हैं,
कभी भी आप टीवी पे या फिर न्यूज चैनल्स पे देखते हैं कि वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि आज एनएसई का टर्नओवर भी कम है, कैश मार्केट का टर्नओवर कम है, तो इंडेक्स ऑप्शंस का टर्नओवर ज़्यादा है कम है, तो वो कहाँ से बातें करते हैं, वो सब चेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर मार्केट टर्नओवर पे हम क्लिक करते हैं तो वो ओपन करता है ये लिंक को, ये मैंने खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट टर्नओवर एज ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम के साथ वो देते हैं कि इस टाइम तक टर्नओवर कितना था, इस कौन से प्रोडक्ट्स का देते हैं, तो ये है इक्विटीज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शंस, वॉल्यूम फ्यूचर, आई गेस वॉल्यूम फ्यूचर्स, ओके, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, ग्लोबल इंडाइसेस फ्यूचर्स का कुछ है नहीं यहाँ पे, करेंसी फ्यूचर्स और फिर एनएसई बॉन्ड और कमोडिटी फ्यूचर्स। तो एनएसई तो अभी कमोडिटीज में भी आ गया है, तो आई गेस ये वही लेटेस्ट वाला डेटा होगा इफ नथिंग एल्स। और यहाँ पे क्रोर्स और बिलियंस में लिंक है, तो बिलियंस में अगर हम पकड़ते हैं तो यहाँ पे टुडे का टर्नओवर दिया हुआ है और यहाँ पिछले दिन का ओपन प्रीवियस डे में ओपन इंटरेस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट्स का इंडिकेट करता है अगर है तो, और टुडे में ये सिर्फ ट्रेडेड वैल्यू और वॉल्यूम इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटीज में जो कैश में टर्नओवर हुआ है वॉल्यूम में वो लगभग 1,13,46,02,603 ओके है, आई गेस इट इज इन इट सेल्फ इट इज इन रुपीज में है ओके। और सेम वैसे यहाँ पे आज का दिया हुआ है और फिर ट्रेडेड वैल्यू 268 बिलियंस में दिया हुआ है। ओके, ये शेयर्स है 1,13,00,00,000 लगभग के शेयर्स हैं, और ये जो है उसका वैल्यू है बिलियन में, 268 बिलियन, और ये क्रोर्स में कन्वर्ट किया हुआ। तो ये अगर आप जब आपको जब भी देखना है कि आज का टर्नओवर कितना है एनएसई का वगैरह, तो एनएसई और बीएसई पे मोस्टली ट्रेड्स होते हैं, तो बीएसई का टर्नओवर तो कंपैरेटिवली एनएसई से बहुत कम होता है, तो आप एक ट्रेंड समझने के लिए एनएसई का टर्नओवर देख सकते हैं, साथ में बीएसई का भी आप चाहिए तो देख सकते हैं। यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है नीचे, क्लिक हियर फॉर नोशनल टर्नओवर, ओके, तो वो लिंक नोशनल दिखाता है, मतलब सब कॉम्प्रेस करके एक अजम्पशन बेस्ड दिखाता है। यहाँ पे और नीचे लिंक्स हैं, एक्चुअली ये लिंक्स अगर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे डेटा को जो एक्सेल शीट से ओपन होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में वगैरह कवर करने की कोशिश करूँगा। राइट साइड में भी ऐसे लिंक्स है रिलेटेड डेटा के, ओके, तो ये टर्नओवर यहाँ से हमको पता चलता है, और ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि एनएसई का एक्चुअली यहाँ पे ग्राफ लोड होता है, वो मेरे फ्लैश प्लेयर इश्यूज की वजह से लोड नहीं हो रहा है, निफ्टी का करंट ग्राफ पता चलता है यहाँ पे, उसके एडवांस एडवांस शेयर्स कितने हैं, डिक्लाइन कितने वो पता चलता है, अनचेंज कितने हैं। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ये मेनू जैसे लिंक पे, तो आपको यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड मार्केट के जो अलग अलग इंडाइसेस है, एनएसई जो फ्लोट करता है या फिर उनके प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली ये कॉपीराइट, तो ये इंडिया विक्स है, निफ्टी मिड कैप 150 है। मैंने एक्चुअली इंडिया विक्स पे एक मेरा वीडियो भी बनाया हुआ, आप वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डिटेल्स मैंने उसके अंदर शेयर किए हुए। और निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके बाद यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस है, बैंक, ऑटो। एक्चुअली ये साइट के अंदर अगर आप लिंक्स टू लिंक जाएंगे तो अंदर भी ये डेटा है, मगर एक फर्स्ट लुक में आपको अगर डेटा चाहिए तो इजीली इसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो निफ्टी मेटल, ये कमोडिटीज वगैरह रिलेटेड इंडेक्स है, इंडाइसेस है, और ये अदर इंडाइसेस, एनर्जी, निफ्टी इंफ्रा, उसके अंदर जो जो शेयर्स है वो सब है, अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, ओके। और ये फिक्स्ड इनकम इंडाइस है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 13 ईयर बॉन्ड्स है वगैरह, उससे रिलेटेड इंडाइस है। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस जनरली तो नहीं होता है, जब होता है तो मार्केट को बहुत इश्यूज हो जाते हैं, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करते हैं नीचे तो यहाँ पे गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे जो निफ्टी के जो गेनर्स है वो वहाँ पे वो 22 लिखा था, तो व्यू ऑल करते हैं तो वो ओपन हो जाएगा, ओके। और फिलहाल के लिए तो मैं इतना ही शेयर करना चाहता हूँ, और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं एनएससी वेबसाइट के, तो वो आने वाले जो पार्ट्स होंगे इसके, तो उसमें मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा, उसकी डिटेल और मेरा अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज़ इस वीडियो को या फिर कोई भी वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप इसको व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे शेयर कर सकते हैं,
और प्लीज़ अगर ये वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और आपकी क्वेरी होगी कोई अपार्ट फ्रॉम आस्किंग कि शेयर बेचूँ या खरीदूँ तो मैं उसमें एंगेज नहीं करता हूँ, मैं कोई एडवाइस वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ कि कौन से प्राइस पे एग्जिट लेना चाहिए एंट्री लेना चाहिए। मेरा स्ट्रेस मोस्टली एनालिसिस वगैरह पे होता है, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। और शेयर मार्केट फ्रेंड सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।